नमस्ते फ्रेंड, आपका स्वागत है रेनू सिंह चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कैसे घर में आलू की कचौरी आप बना सकते हैं। ये देखिए मैंने जो मैं बनाई हूँ आलू की कचौरी, बहुत ही अच्छी बनी है, क्रिस्पी बनी है। ये देखिए ये रहा आलू का कचौड़ी का बनाने का सामग्री, जैसे कि लहसुन जो मैं पहले से ही काट के रखी हूँ, हरी मिर्च जो पहले से कटी हुई, अदरक, धनिया पत्ता, और ये आलू जो बॉईल करके छील के अच्छी तरह रखी हूँ। अब मैं इस आलू को मिक्स करने जा रही हूँ। ये आलू अच्छी तरह मैश हो चुकी है, अब आगे प्रोसेस में जा रही हूँ। ये गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा चुकी हूँ जो हाई फ्लेवर में है। अच्छी तरह गर्म होने के बाद आप सरसों का तेल डालने के बाद आपको पहले इसमें जॉइन डालनी है एक छोटी चम्मच। जब जवाइन अच्छी तरह चटक जाएगी उसके बाद आपको इसमें, देखिए चटकने के बाद गैस को थोड़ा कम कर दीजिए, उसके बाद इसमें आप लहसुन जो बारीकी काटी थी वो डाल लीजिए। फिर उसके बाद आपको हरी मिर्च के बाद ये रही अदरक, आप इसे अच्छी तरह फ्राई कर रहे हैं। आधा फ्राई होने के बाद जो मैं पहले से धनिया का पत्ता काट के रखी हूँ अब मैं इसे डाल रही हूँ। इसके बाद आपको थोड़ा सा हल्दी कलर के लिए डालनी है। आप फिर इसे 2 मिनट और फ्राई करना है। ये देखिए जो मसाला मैंने डाली थी वो अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है। अब जो मैं पहले आलू जो मैश करके रखी हूँ इसे डाल रही हूँ। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालनी है। इसके बाद अच्छी तरह इसे 5 से 7 मिनट तक भूनना है। ये देखिए जो मैंने आलू डाली थी अच्छी तरह फ्राई हो गई है। अब मैं इसे गैस को बंद करके इसे किसी दूसरे बर्तन में रख रही हूँ। अब इस आलू को, ये जो मसालेदार आलू है, इसे आप ठंडा होने के लिए हमें छोड़ देना है। अब मैं आलू की कचौड़ी का आटे का डो बनाने जा रही हूँ। इस आटे में आपको कुछ चीज डालना नहीं है, ये प्लेन आटा है। आपको अच्छी तरह मत करनी है। ये देखिए आटा को मैंने बहुत अच्छी तरह से गूंथ के तैयार कर दी हूँ। अब मैं इसे बनाने जा रही हूँ कचौड़ी। ये देखिए इस साइज की मैं पेड़े निकाल के अच्छी तरह रख रही हूँ। वो ये अच्छी तरह आप इस तरह गोल करके रख करके, ये जो मैंने मसाला बना के रखी हूँ आलू की, ये आप इस तरह लेके इसे इसके अंदर डाल के अच्छी तरह से आपको इसे पैक
करना है। ऐसे हल्की हाथों से करके आपको तैयार करके रख दीजिए। ये देखिए कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई गर्म होने के बाद इसमें मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। जब ये अच्छी तरह गर्म हो जाए उसके बाद में फ्राई करूंगी। ये देखिए मैंने मसाला भर के अच्छी तरह आलू का कचौड़ी का साइज का मैं बना के रखी हूँ। अब मैं इसे फ्राई करने जा रही हूँ। ये देखिए जो मैंने तेल डाली थी वो अच्छी तरह गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें जो पूरी तैयार करके रखी हूँ ये मैं डाल रही हूँ आस्ते आस्ते करके। इसे मीडियम आंच पर इसे तलना है। ये देखिए आपको इस कलर का आने के बाद आप इसे निकाल लिए। ये अच्छी तरह पक चुकी है। ये रहे